हम यहाँ से कैलंगड़ से पंजीम के लिए बस के अंदर जाएंगे, देन मैन पंजीम से मडगांव जाएंगे, क्योंकि हमारी जो आज हमारे को दूधसागर वाटरफॉल जाना था वो कैंसिल हो गया क्योंकि अभी दूधसागर बंद पड़ा हुआ है। तो इस बस में चलते हैं हम यहाँ से पंजीम। इसकी क्या फेयर है हम आपको अंदर बैठ के बताते हैं। बैठ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ की पंजीम की बस है, इसके अंदर हम चलेंगे यहाँ से पंजीम के लिए। कैलंगड़ से पंजीम की जो टोटल डिस्टेंस है ये 1.5 घंटे का है। चलो हम चलते हैं यहाँ से बस का एक बार। हम जा रहे हैं पंजीम से मडगांव के लिए। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस चलती है गवर्नमेंट की, जिसका प्राइस ओनली 50 रुपीज़ है पर पर्सन के लिए। तो 1 आवर की डिस्टेंस है पंजीम से मडगांव की। तो हम चलते हैं सीधे मडगांव और आपसे मिलते हैं मडगांव, आपको दिखाते हैं पूरी इलेक्ट्रिक बस। पहुँच चुके हैं मडगांव से, हम कुल्लिम जा रहे हैं क्योंकि हमारी बस है वो जो री नाइट के अंदर है। तो आप मडगांव यहाँ बस स्टैंड आके कुल्लिम की बस ले सकते हैं, जैसे हम भैया की बस में जा रहे हैं। यहाँ से जो बस है बस का चार्जेस कितने लगते हैं अपने? 30 रुपीज़ पर मेंबर के चार्जेस है। तो हम इसके अंदर बस में जाएंगे, भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं कुलवा बीच। तो हम चलते हैं यहाँ से कुलवा बीच, ये पूरा मडगांव स्टेशन है। ये पूरा ओल्ड गोवा है, आप देख सकते हैं यहाँ की बिल्डिंग्स भी पुरानी है काफ़ी, और काफ़ी अच्छी प्लेसेज है कम्पेयर टू बागा बीच। और अगर आप वहाँ की बात करें तो वहाँ पर जो भी ज़्यादातर कल्चर है या जो भी ज़्यादातर मेंबर है वो आउटसाइडर गोवा आके यहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस सेट कर रखा है। जिसको पार्टी वगैरह इन्जॉय करनी है वो वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर कर सकता है, जिसको नेचुरल अगर गोवा का फील लेना है तो वो यहाँ पर जो साउथ गोवा कहलाता है यहाँ घूम सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं कोलवा बीच के लिए। जो आपने धमाल मूवी के अंदर जो W देखा होगा वो कोलवा का ही है। देखते हैं W दिखता नहीं दिखता है, हम भी इसके नीचे खजाना ढूंढेंगे। थोड़ी देर में कोलवा पहुंचने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितनी ग्रीनरी और आज मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रहा है। हम पहुंच चुके हैं कोलवा बीच, दिखाता है आपको कितना प्यारा बीच है ये। सामने की ओर ही बीच है, तो हम यहाँ से हमारा लगेज लेके नीचे उतरते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश का भी मौसम हो रहा है। हम कोलवा बीच पहुँच चुके हैं, ये सर में हमको लेके आए थे मडगांव टू कोलवा, जिसका हमारे को जो पर पर्सन का वो लिया है सिर्फ 30 रुपीज़ लिया है। तो आप जहाँ तक हो अगर आपको इन्जॉय करना है तो आप टैक्सीज वगैरह इसको अवॉइड करिए, और जो है कि लोकल व्हीकल है उनके थ्रू आइए, जो काफ़ी चीपर भी है तो काफ़ी कम्फर्टेबल भी है। तो चलो हम चलते हैं सीधे कोलवा बीच के लिए, तो वीडियो बन रही है। ये यहाँ पे कोई पुराना ब्रिज है, बीच में एक कैनल है। तो ये सामने की ओर आप देख सकते हैं पूरा हमारा कोलवा बीच है। हमारे जो लगेज है ये इस टाइप की बनी हुई, क्योंकि बारिश कल कल के छींटे भी आ रहे हैं। तो देख सकते हैं मौसम भी कितना बढ़िया हो रहा है आज। ये पूरा जो बीच है ये कोलवा बीच है। ये लाइफ गार्ड की थार खड़ी हुई है। तो बीच से नियर बाय चल के हम बीच दिखाते हैं, और सामने वो आपको जहाज दिख रहे हैं मछली पकड़ने के जहाज है छोटे छोटे। तो हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। तो अब हम बीच पर आगे की ओर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं बीच बिल्कुल सामने है हमारे बीच। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर बीच पर, और वहाँ तक एंड तक ये पूरा बीच है, और यहाँ पे एंड तक इसका लास्ट है। और वहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे शांति है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। और एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह बीच पे अलाउड नहीं है, एज़ कम्पेयर टू वहाँ बागा बीच पे लोग जनरल वहीं बैठ के, वहाँ रेस्टोरेंट बने हुए थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है।
तो चलो हम चलते हैं आगे की और आपको दिखाता हूँ पूरा। अब हम आ चुके हैं बीच के बिल्कुल आगे की तरफ जहाँ से समुद्र दिख रहा है, और यहाँ की रेट बिल्कुल दलदल की तरह, जैसे हम पैर रख रहे हैं तो पैर हमारे बिल्कुल अंदर की ओर जा रहे हैं। सामने की ओर देख सकते हैं आप कितना प्यारा पानी आ रहा है, दिखाते हैं हम आपको, बिल्कुल ठंडा पानी और ऊपर से हल्के हल्के छींटे भी आ रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पर। तो देखें आप, ये देख सकते हैं आप, धीरे धीरे पैर अंदर की ओर जाने लगेंगे या मिट्टी के में, ये पूरी वेव्स आ रही है यहाँ पर। सामने की ओर बारिश तेज हो रही है अब धीरे धीरे। हम जा रहे हैं समुद्र में, तो आप लोग देख सकते हैं इस बीच की जो मिट्टी है बिल्कुल दलदल टाइप है, इसमें पैर रखते ही पूरे पैर अंदर की ओर जा रहे हैं, बट ये बिल्कुल वैसा का वैसा दलदल नहीं जैसा होता है, तो वो डरने की बात नहीं है। तब हम यहाँ से वापस चलते हैं, काफ़ी अच्छा समुंदर है इस कंपेयर टू जो बीचेस हमने वहाँ पे देखे थे, बागा बीचेस, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्राउड बिल्कुल एक डिसेंसी वाला क्राउड है, और सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे बीच पर ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं चल रही है, तो बिल्कुल माहौल बाकी बढ़िया है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। सब हम कोलवा बीच से मड़गांव रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, अभी बज रही है शाम की 7:30। तो यहां से मड़गांव से हमारी जो ट्रेन है मुंबई के लिए वो है रात को 10 बजे की, 10:10 की ट्रेन है, जिसका ट्रेन नंबर है 12134।